से एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के एमएलए और जो ख़ुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम भी हो रहा है कि मरहूम ex-MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिख कर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, और ये बहुत बड़ी कॉन्स्परेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्परेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। सर, चुनाव होने हैं सूबे में, क्या उसके ताल्लुक से आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? इसको एक आदमी की तो जान चले गई, एक उनकी दोनों औलादें, उनका बाप, उनका बेटा और उनकी बेटी अपने वालिद से महरूम हो चुके हैं, वो यतीम हो गए हैं। तो आप चुनाव से ज़्यादा यह है कि वहाँ की सरकार ने पुलिस को कमज़ोर करके रख दिया, ख़ास तौर से मुंबई की पुलिस को, जो उनका प्रोफेशनलिज्म एक मशहूर था। वहाँ का इंटेलिजेंस का नेटवर्क लगता है कि बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। और चुनाव के सामने, ऐन चुनाव के सामने इस तरह की हत्या एक सीनियर लीडर की होती है, तो यकीनन इसका जनता, इसका खमियाज़ा वहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मगर अफसोस ये है कि खमियाज़ा आम जनता भुगत रही है, क्योंकि उनको सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ की राजनीति से शिंदे और फडणवीस की सरकार को मतलब है। वो अपनी जान को बचाने की फ़िक्र में है। उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग कितना अपने आप को अनसेफ़ महसूस करते हैं। तो यकीनन ये जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इस तरह दिन कोई गाड़ी के क़रीब आकर 3-3 गोलियां चला देता है बाबा सिद्दीकी के ऊपर। और उन्होंने हालिया दिनों में मालूम हो रहा है कि उन्होंने लिख कर भी दिया था कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफ़ा किया जाए। तो ये मुंबई के लिए, जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये मैसेजिंग जो हो रही है, बहुत गलत मैसेजिंग जा रहा है। और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी मेरी नज़र में वहाँ की सरकार पर आयद होती है। और यकीनन ये आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मसला और इनका सेलेक्टिव क़ानून का इस्तेमाल, या फिर आंखें बंद कर लेना उन लोगों के ख़िलाफ़ जो क़ानून अपने हाथ में लेते हैं, जो गाली देते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो धर्म संसद करके गा लेते हैं, कोई सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए।